नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली सक्सेना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी नई अपडेट से हमेशा रूबरू होते रहें। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अयोध शर्मा ने जनपद रायबरेली की तहसील महाराजगंज के ग्राम निवासगंज मजरे बाबन बुजुर्ग बल्ला में 132/33 के भी पारेषण उपकेंद्र का शिलान्यास किया, जिसकी क्षमता 2x40 MVA की है और ये उपकेंद्र 40.15 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्ष में बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण से महाराजगंज, हरचंदपुर, गंगागंज, रेवा, चंदापुर, मऊगर्भी और अमेठी के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की 8 से 9 लाख की आबादी को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा और यहाँ के विद्युत बोर्ड की समस्या भी दूर हो जाएगी। कार्यक्रम में उद्यान, कृषि विपणन और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को सुदूर गांव और जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। ऊर्जा मंत्री के प्रयासों से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। आने वाले समय में सभी को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। मोदी योगी की सरकार से देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और देश में इसकी जड़ें मजबूत हो रही है। हमें खुशी है और हमारी पीढ़ी फिर से सुसंस्कृत हो रही है। उन्होंने कहा कि मैंने क्षेत्र के विकास के लिए बचपन से संघर्ष किया। गांव में सड़कें, पगडंडी ना होने से बरसात में साइकिल को कंधे पर और चप्पल हाथ में लेकर चलना पड़ता था। मेरे प्रयासों से क्षेत्र का विकास हो रहा है। सड़कें बन रही है 1952 से। रायबरेली का बेटा के संसद ना पहुंचने से इस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि शिलान्यास का पहला ऐसा शिलापट है जिसमें ऊर्जा मंत्री के साथ मेरा भी नाम है। इस पावर हाउस के बन जाने से यहाँ के विद्युत आपूर्ति की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जहाँ दिनेश सिंह जब गांव से निकलते थे तो साइकिल कंधे पर रखते थे और चप्पल हाथ में लेते थे और तब इस गांव से निकल करके हम शहर की ओर जाते थे, ऐसा गांव हम लोगों का था जहां हमने जन्म लिया। हमारी मां आज नहीं है, लेकिन हमारे मन में तब भी भाव थे कि अपने गांव को कैसे विकसित बनाया जाए, कैसे गांव वासियों के जीवन में हम खुशी ला सके। इसका प्रयास मैंने अपने बचपन से शुरू किया। बामुश्किल 15 साल की आयु रही होगी तो मेरी माँ मुझे घी बना के घर से देती थी, अच्छे से चावल देती थी और मैं शासन के कुछ अधिकारियों के घर घी चावल लेके जाता था कि भैया हमारे गांव की सड़क बना दो, हमारे गांव में सड़क नहीं है। और तब शासन से पैरवी करके 15 साल की उम्र में पैरवी करके मैंने अपने गांव में कंकड़ की सड़क बना करके आने जाने का रास्ता बनाया। आज उस सड़क पर, उसके बाद वही सड़क जो कठवारा से नवोदय विद्यालय जाती है, सम्मानित साथियों, उस सड़क को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो छोटा छोटा पैसा बचा था, हर जिले के छोटे छोटे पैसे को कलेक्ट करके इकट्ठा किया और उस पैसे से फिर मैंने नवोदय विद्यालय से और कठवारा तक के दामर रोड पूरी अच्छी प्रधानमंत्री सड़क योजना से आगमन हुआ नहर की पटरी पर। इस नहर की पटरी को भी लोक निर्माण विभाग बनाने को तैयार नहीं था, कह रहा था पहले हमको सिंचाई विभाग स्वामित्व तो हस्तांतरित करे तब हम बनाएंगे। बड़ा कठिन था, लड़ाई लड़ी, मेहनत किया, परिश्रम किया और आज रायबरेली शहर से नहर पे चढ़ लो तो सीधा हमारे गांव आप पहुंच सकते हो। इतनी बढ़िया सड़क हमने पटरी पर बनवा दी। ऐसी बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे कामों के साथ साथ आप जोड़ सकते हो कि आज यह, लेकिन मैंने जितने भी काम किए अपने गांव के बाहर बाहर किया। आज पहला दिन है, आदरणीय के शर्मा जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे गांव में ये पहला पत्थर है जिसमें मेरा नाम लिखा गया है आदरणीय के शर्मा जी के साथ में, और वह भी ऐसा नाम ले सकते हो। सम्मानित साथियों, यह पावर हाउस जो आज निवासगंज में स्थापित हो रहा है, दिल्ली के पावर हाउस से भी एक कनेक्शन आज इस गांव को मिल रहा है जो शायद बहुत दूर तक प्रकाश करेगा। मैं जो कहना चाहता हूं, संभवतः पत्रकार लोग जरूर समझ पाए होंगे कि हमको आज केवल एक छोटा सा पावर हाउस नहीं मिल रहा है, इस गांव को दिल्ली के पावर हाउस से भी कनेक्शन मिल रहा है। आप जानते हो
हमारे ऊर्जा मंत्री जी का कनेक्शन कहां से है, और अगर वो गांव में बैठे हैं तो दिल्ली के पावर हाउस से हमारा गांव कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है सम्मान्य साथियों कि आज यह पावर हाउस जो हमारे गांव में हमारी जन्मस्थली में ये स्थापित हो रहा है, ये महाराजगंज शिवगढ़ बछरावा कीरो सताओ हरचंदपुर के साथ साथ अमेठी के भी कुछ हिस्सों को यहां से विद्युत आपूर्ति होगी, और जो विद्युत निर्बाध रूप से नहीं मिल पाती थी उसका भी इलाज यहां से होगा। त्रिपुरा जैसे पावर हाउस का लोड कम हो जाएगा और ये लोड बांट करके रायबरेली वासियों को बेहतर बिजली मिलेगी। इसके लिए मैं अपने दोनों भाइयों आदरणीय एके शर्मा जी और आदरणीय सुरेंद्र तोमर जी का हृदय से अपनी ओर से, अपने गांव वासियों की ओर से, अपने जनपद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सब पर कृपा कर किया, उपकार किया और रायबरेली को सुविधा देने का काम किया। सम्मानित साथियों, निसंदेह मैं कह सकता हूं आदरणीय एके शर्मा जी का 32 वर्ष का सिविल सर्विसेज का अनुभव है, अंदाज लगाइए। आज जो शख्सियत हमारे बीच बैठे हैं लगभग 32 वर्ष जिला अधिकारी से लेकर के और प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी तक का दायित्वों का निर्वहन करते हुए वो अनुभव प्राप्त है, अगर उनके जैसे बड़े भाई का मार्गदर्शन मिलेगा तो बताओ निवासगंज से लेकर के रायबरेली तक का सम्मान बढ़ जाए कि नहीं बढ़ जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का, जो आज पूरे देश को किस स्तर तक की सेवा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अब तक किया है एहसास करिए सम्मानित साथियों। अगर जमीन में देखेंगे तो भी हमको प्रधानमंत्री की सेवाएं दिखाई पड़ेंगी, आकाश में देखेंगे तो भी दिखाई पड़ेंगी, देश में देखेंगे तो भी दिखाई पड़ेंगी और विदेश में देखेंगी तो भी दिखाई पड़ेंगी। मुझे गर्व है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी दूसरे देश में जाता है तो वहां के राष्ट्रपति, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पीछे चलते हैं, तो हम भारतवासियों की छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पीछे अमेरिका का राष्ट्रपति चलता है। सम्मानित साथियों, आप सबने देखा, अगर भारत की भूमि पर देखना चाहते हो तो एक गरीब हमारी माताएं बहने पीछे बैठी होंगी, जब शाम को अपने घर में राशन पकाने जाती हैं, तो वो राशन भी हमारे मोदी जी उन गरीब बहनों के घर तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब गरीब की रसोई से अमेरिका तक और आसमान के चंद्रमा तक अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सेवाएं देखनी है तो आप देख सकते हो। आज अगर चंद्रमा पर हमारा भारत का तिरंगा लहरा रहा है तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन है। ये पोषक लोगों का जब भी उत्थान होगा तो हमारी वो भारतीय संस्कार संस्कृति मजबूत होगी जो हमको एक दूसरे के लिए मर मिटने की ताकत देती है। ऐसी भारतीय संस्कार संस्कृति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उनको अगर ताकत दे दोगे, उनको अगर शक्ति दे दोगे सम्मानित साथियों, तो मुझे गर्व है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान जाने कितनी पीढ़ियों तक के लिए मजबूत हो जाएगा अगर योगी मोदी थोड़े दिन और देश और प्रदेश चलाने का अवसर पा जाएंगे। इसलिए उनके साथ आवश्यक है आप सबकी शुभकामनाएं मिले। लोकसभा का टिकट नहीं दिया, लोकसभा का टिकट तो छोड़ दीजिए, कभी लोग एमपी का प्रतिनिधि बनने लायक भी कांग्रेस के लोगों ने भरोसा नहीं किया। जब गांधी परिवार स्वयं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा तो भी उन्होंने अब अरमा शर्मा एप्टन कैप्टन राहुल कौल को लाके लड़ा दिया, लेकिन रायबरेली के बेटवा को तो भी टिकट नहीं दिया। इस पार्टी रायबरेली वासियों पर भरोसा करती है। सम्मानित साथियों, मुझे गर्व इस बात का है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रायबरेली के लोगों के साथ है। कल मेरा जन्मदिन था और एक अवसर होता है, मुझे शुभकामनाएं दी, बधाई दी हमारे बिजली विभाग, लेकिन इस माटी के लाल जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, इस बेटे को जब देश के प्रधानमंत्री जी की बधाई आती है तो
तो हमारी तो छाती चौड़ी होती है, आप सबकी भी चौड़ी होती है कि नहीं होती, आप हमको बताइए। कौन सपना देख सकता था कि नेवारगंज की माटी में पैदा हुए बेटे को देश का प्रधानमंत्री सवेरे सवेरे बधाई देगा, देश के गृह मंत्री बधाई देंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बधाई देंगे कि मुझे घर में इस माटी में पैदा होकर के आज इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मिला है, जिसकी परिणति है कि आज यह गांव, यह जमान उत्तरोत्तर विकास के पद पर अग्रसर हो रही है। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं एक बार पुनः अपने बड़े भाई आदरणीय के शर्मा जी का, और मैं समझता हूं मैंने काफी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।